ऑल राइट क्या हाल है, क्या हाल है सबके, कैसे हो सब लोग यार? ठीक है, सो वेलकम एवरीबॉडी टू दिस चैनल, ए आर स्क्वाड यूट्यूब चैनल। एंड मेरा नाम आयुष राठी है, जो भी लोग नहीं जानते हैं मुझे। ठीक है, इस चैनल पे मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट पहले चालू किए, जैसे कि सॉल्व एच सी वी इन एयर विथ ए आर, ठीक है, जिसमें मैं एच सी वर्मा बुक के सोल्यूशंस डिस्कस करता था। वो जो एपिसोड है वो कहीं ना कहीं बीच में छूट गई, ठीक है, कंटिन्यू नहीं हो पाई, कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, और भी बहुत सारे यू नो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी प्लेलिस्ट को चलाया। आज करेंटली आज के डेट में 97 एपिसोड्स है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में, बट उसको कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से उसी सेम फ्रिक्वेंसी को मेंटेन नहीं कर पाए। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट हाँ ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, जिसके वजह से जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तुम जो लोग हो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यू नो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, उनको वो चीज़ उसी फ्रिक्वेंसी के साथ में, जैसी जब वो सब्सक्राइब किए थे तब उनको दिख रही थी, वो बाद में उसी फ्रिक्वेंसी के साथ में नहीं दिखी। ठीक है, इसीलिए ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आज आज तारीख कितनी है भाई, आज तारीख है 7 मई, और अभी रात के बज रहे 1, 7 मई रात के बज रहे 1:20 पे मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज। एंड मेरा आपको कमिटमेंट है, मेरा आपको प्रॉमिस है कि अगर ये सीरीज कंप्लीट नहीं हुई तो आप लोग मेरे चैनल को, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है, मुझे आप ताने मारना, कमेंट में आप बोल के जाना कि अपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आज मैं पहली वीडियो में ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे भी अच्छे से याद रहे कि एनी हाउ, चाहे व्यूज़ आए चाहे ना आए, चाहे आप लोगों को पसंद आए चाहे ना आए, हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद ना आए, कुछ ही लोगों को पसंद आ रहा हो, लेकिन मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं देखूंगा भी नहीं कि भाई मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, मेरे चैनल में सब्सक्राइबर्स कितने आ रहे हैं, लोगों को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, मैं दिख कैसा रहा हूँ। ठीक है, गर्मी है, मई का टाइम है, पंखे बंद हैं, बहुत तगड़ी गर्मी है, एसी अगर चलाऊंगा तो फिर आवाज़ आएगी, बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा बहुत तगड़ा वाला, पंखा अगर चलाऊंगा तो भी नॉइज़ आएगा। ठीक है, चाहे कितना ही मुझे हार्डवर्क करना पड़े, मैं इस सीरीज़ को आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि लॉकडाउन का भी जो टाइम है, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, पहले जो मैं वीडियोज़ बनाता था वो शॉर्ट होती थी, 10-10 मिनट की वीडियो होती थी, 15-15 मिनट की वीडियो होती थी, एंड आई स्टिल बिलीव इन दोज वीडियोज़। जो छोटी छोटी वीडियोज़ होती है मैं उस पर बिलीव करता हूँ आज भी, एंड आगे भी छोटी छोटी वीडियोज़ आएंगी, बट आई कुडेंट मेक लॉन्ग वीडियोज़, आई कुडेंट मेक कम्प्लीट फिजिक्स की सीरीज़ आप लोगों के लिए कभी बना नहीं पाया, बिकॉज मैं कॉलेज में था। आई एम जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, एंड कॉलेज के साथ मैंने अपनी टीचिंग को आगे बढ़ाया, यूट्यूब को आगे बढ़ाया। सो आप समझ सकते हो ना किस तरीके से मैं कॉलेज में छुप छुप के क्लास में बैठ के एडिटिंग करता था, अपने यू नो खाने का टाइम, खाना नहीं खा के मैं लंच स्किप करके मैं कॉलेज में जाके यू नो वीडियो शूट करता था, लैब लैब के बीच में वॉशरूम जाता था, मैं वहाँ पे थंबनेल्स बनाता था, वॉशरूम में बैठ के अपलोड करता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, इसीलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, बिल्कुल भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं लंबे वीडियोज़ बना पाऊँ। नाउ लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से आज के डेट में मेरी जो ऑफलाइन कोचिंग है, कोटा में मैंने ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट किया 6 महीने पहले, वो भी अभी बंद है। अनअकैडमी प्लस पे मैं एजुकेटर हूँ, लेकिन वहाँ पर भी मुझे दिन भर नहीं पढ़ाना पड़ता, सो आई एम फ्री राइट नाउ। सो दिस इज द बेस्ट टाइम कि मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं पूरा कंटेंट क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, सो दिस वीडियो विल बी अ रिमाइंडर फॉर मी एज वेल एज ऑल ऑफ यू। अगर मैं कंप्लीट नहीं करता हूँ इस सीरीज को, आप लोगों को बता देता हूँ ये कब तक कंप्लीट होगा, 4-5 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, 4-5 महीने में अगर कंप्लीट नहीं भी होता है तो भी 4-5 महीने बाद वीडियोस आएंगी, ये नहीं कि ये सीरीज स्टॉप हो जाएगा, हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लग जाए कंप्लीट होने में, लेकिन 4-5 महीने बाद भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, हो सकता है 8 महीने में कंप्लीट हो, बट ऐसा नहीं होगा कि वीडियो आनी बंद हो जाएंगी, 1 महीना आएगा फिर बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर 4-5 महीने हमने कंटिन्यू कर लिया तो इसको कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये कंप्लीट फिजिक्स की सीरीज होने वाली है, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट होगा। क्वेश्चंस बुक्स मेरे पास बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लूंगा, थ्योरी को भी मैं साथ साथ में लेके चलूंगा ताकि मैं उसी ऑर्डर में करा पाऊँ जो आप लोग बुक्स पढ़ोगे घर में, उसी ऑर्डर में आपको मिल जाए। ठीक है, तो मैं भी एक यू नो वॉच रखूंगा थ्योरी के अंदर में, ताकि मैं बिल्कुल भी ऑर्डर को स्किप ना करूँ, एक जनरलाइज्ड ऑर्डर में यू नो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ
क्योंकि पहली बार मैं ऐसा कोई कंप्लीट फिजिक्स कोर्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा टीचर हूँ जो बेसिकली क्या करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले भी मेरे चैनल में जितने भी प्लेलिस्ट है, आज ये जो 50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे खड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों के हेल्प से, कंट्रीब्यूशन से, बट मेरे जितने भी वीडियोस है वो सारे आप देखोगे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस 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 के थ्रू मैंने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। तो ये पहली बार होने जा रहा है जो मैं उल्टा करने वाला हूँ, या उल्टा नहीं भी करो तो ये कहो कि साथ साथ में करने वाला हूँ। थ्योरी एंड कंसेप्ट दोनों चलेगी, एंड मैं लिटरली आपके सामने थ्योरी लिख भी रहा होऊंगा जो मैं पहले नहीं लिखता था, ठीक है, ताकि आप लोग जो हो, जो एवरेज स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट हो, जिनको कुछ नहीं आता, एंड जो लोग बुक्स फॉलो कर रहे हैं पढ़ने के लिए, यूट्यूब पे प्रॉपर कंटेंट चाहते हैं, जिनको पूरा कंटेंट नहीं मिल रहा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पूरा फायदा मिल पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो पहला टॉपिक है, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के साथ में हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आप लोग क्या कर सकते हो, साथ साथ में नोट्स बना सकते हो, ठीक है। साथ साथ में आप लोग नोट्स बना सकते हो, ठीक है, अपने बुक्स को फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चंस जो जो मैं दूंगा साथ साथ में, उसको आप लोग मेरे साथ साथ में करोगे। एंड ऐसा मत समझना कि आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा समझना कि आपके साथ आपका कोई दोस्त बैठ के पढ़ रहा है, ऐसा समझना आप इसको। रिलैक्स वे में, बिना किसी प्रेशर में, 4-5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में आपका पूरा कोर्स जो है कंप्लीट कर दूंगा, एटलीस्ट नीट जेई मेन लेवल तक। एंड आपका कंसेप्ट्स में मैक्सिमम कोशिश करूंगा आपको मैं कवर कर दूं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरी आदत क्या है। तो एक क्वेश्चन पहले करते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा जिनको आती है ये बेसिक बेसिक चीज़ है वो भी इंटरेस्टेड हो वीडियो देखने में। वरना अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँ फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल स्टार्टिंग में, तो जिनको आता है ये सब वो बोर हो जाएंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों को जिनको ये सब आता है, कुछ ना कुछ पता है इसके बारे में, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और उसके बाद में हम लोग आगे क्या है इसको कंटिन्यू करते हो। ऐसा समझना कि एकदम घर में बैठ के मैं आपको बगल में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मत समझना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि भैया, फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स। फोर्स जो दिया हुआ है दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स। सो दिस इज गिवन एज ए साइन सी टी, इट इज गिवन एज ए साइन सी टी। लिखते जाओ आप लोग सब, अपने कॉपी पेन खोल के आप लोग बैठो, ठीक है। ये नहीं कि भाई हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो भाई हम ऐसे ही देख लेंगे, नहीं यार, अगर मैं लिख रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों, तो आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठो, बुक्स लेके बैठो, जो लेके बैठना है आप लोग बैठो, एंड प्रिपरेशन मेरे साथ साथ करो। एफ इज इक्वल्स टू ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी एक्स, ठीक है। देन द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर, आपको पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है डायमेंशंस, किसका डायमेंशंस, आपको पूछ रहा है डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी, आपको पूछ रहा है डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर, ठीक है। इसमें आपके पास में कुछ ऑप्शंस भी हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शंस को लिख लेते हैं। ऑप्शन ए एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू कॉमा एम जीरो एल जीरो एंड टी माइनस वन, ये पहला ऑप्शन हमारे पास में है, ठीक है। ऐसे और तीन ऑप्शन हैं, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो इसको। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, ऑप्शन बी हमारे पास में दिया हुआ है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एंड हमारे पास में है एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो, एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। एम जीरो एल जीरो टी जीरो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, एंड दिस इज एम जीरो एल टी माइनस वन, एम जीरो एल टी माइनस वन, एंड जो ऑप्शन डी हमारे पास में है वो है एम जीरो एल टी माइनस वन एंड एम जीरो एल जीरो टी जीरो, एम जीरो एल जीरो एंड टी जीरो, ठीक है। आई होप हैंडराइटिंग ठीक ठाक सी है, धीरे धीरे और अच्छी हैंडराइटिंग हो जाएगी, जैसे जैसे हम लोग इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे ना, हैंडराइटिंग और अच्छी आप लोगों को दिखने लग जाएगी, और ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल आप लोगों को चीज़ दिखने लग जाएगा। तो बात करते हैं डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपके पास में डायमेंशन है साइन का, साइन का डायमेंशन तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिसको थोड़ा बहुत पता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो जान लो। ऐसे अपने पास में थीटा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता।
तो ए का जो डायमेंशन है डेट विल बी इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशन, एंड फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। अभी हम देखेंगे कैसे कैसे डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाई टाइम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ये आ गया एम एक्स टी टू द पावर माइनस टू, एम एल टी टू द पावर माइनस टू हमने उसको लिख दिया। बी का डायमेंशन क्या है, बी का डायमेंशन भी अपने पास में वही होगा फोर्स के जैसा, एम एल टी माइनस टू। तो ए बाई बी का डायमेंशन क्या आएगा, ए बाई बी का डायमेंशन सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट आना चाहिए। हम लोग सी बाई डी के डायमेंशन को भी चेक कर लेते हैं कि यार ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सी जो है हमारे पास में वो क्या होगा, वन बाई टी, क्योंकि अंदर में जो सी टी है उसका डायमेंशन आना चाहिए जीरो, कुछ डायमेंशन नहीं आना चाहिए। तो सी का डायमेंशन क्या होगा, वन बाई टी, तभी वो टी को कैंसिल करेगा, तो सी विल बी वन बाई टी। एंड डी का डायमेंशन होना चाहिए क्या, डी का डायमेंशन होना चाहिए वन बाई एक्स, ताकि वो एक्स को कैंसिल करे, मतलब कि डी का डायमेंशन होना चाहिए वन बाई एल, एल टू द पावर माइनस वन। सो वन बाई टी एंड वन बाई एल हमारे पास में होना चाहिए, मतलब कि सी बाई डी का डायमेंशन क्या होगा, सी का होगा हमारे पास में वन बाई टी, एंड डी का होगा वन बाई एल। सो एल बाई टी, एल बाई टी मतलब एल टी माइनस वन। सो एल टी माइनस वन हमारे पास में होगा, मतलब कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट आएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। जिन भी लोगों को आता था उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों को पता है कि हाँ भाई कैसे करते हैं, अपने पास में सी ऑप्शन अपने पास में यहाँ पर करेंट करेक्ट आ रहा है यार, ठीक है। आ जाओ यार आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास में क्या है, थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, ठीक है। ये बस एक वार्म अप के लिए था, ताकि आप लोग थोड़ा सा फॉर्म में आ जाओ। थ्योरी देखते हैं हम लोग। टॉपिक हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज, क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। जैसे कि लेंथ हो गया, ठीक है। डेफिनेशन क्या दिया है यहाँ पे, ऑल द क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ मास वॉल्यूम एटसेट्रा। अपने पास में क्या है, जो भी डिस्क्राइब करते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स को, जो भी क्वांटिटीज डिस्क्राइब करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेसिक सा डेफिनेशन है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। बस मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप लोगों को फील आ जाएगा कि भाई हाँ ये होता है फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ हो गया एक, ठीक है, वॉल्यूम हो गया लेट्स से एक, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमारे पास में क्या, टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू नो टू थिंग्स एज गिवन, दो चीज़ हम लोग को जानना जरूरी होता है। क्या भाई, अगर अपन को कोई फिजिकल क्वांटिटी को अपने को क्या करना है, मेजर करना है, तो दो चीज़ अपने को चाहिए होता है। एक तो होता है उसका यूनिट, एक तो होता है उसके पास में यूनिट, और दूसरा होता है उसका मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो क्या क्या होता है, एक हमारे पास क्या होता है यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, एंड दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। जैसे वेक्टर्स होता है, जो भी बच्चे वेक्टर्स पढ़े हैं, कुछ बच्चे हो सकता है वेक्टर्स पढ़ रखे हो इसमें से, आप में से जो नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी टेंशन मत लेना यार, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अब वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स इज समथिंग जिसके पास में एक यू नो मैग्नीट्यूड हो, उसका मैग्नीट्यूड हो, एंड दूसरा उसके पास में उसका डायरेक्शन हो। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यूनिट हो, उसका मैग्नीट्यूड हो। लेट्स से हम बोलते हैं कि लेंथ 7 मीटर का, तो 7 मीटर का लेंथ क्या है, मीटर वहां पे क्या हो गया, यूनिट हो गया, एंड 7 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अब यहां पर क्या होता है, एनयू इज अ कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। आप लोग बुक्स में देखोगे, जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एनयू इज अ कॉन्स्टेंट, मतलब कि यू हो गया यूनिट, एन हो गया मैग्नीट्यूड उस पर्टिकुलर यूनिट में। फॉर एग्जाम्पल 7 मीटर इज इक्वल्स टू 700 सेंटीमीटर, सो ये जो 7 मीटर है डेट इज इक्वल्स टू 700 सेंटीमीटर। दिस इज द यूनिट, दिस इज द यूनिट, दिस इज एस आई यूनिट, दिस इज सी जी एस यूनिट, दिस इज द एन की वैल्यू फॉर द सी जी एस यूनिट, एंड दिस इज द एन की वैल्यू फॉर द एस आई यूनिट। तो हम कह सकते हैं एन वन यू वन इज इक्वल्स टू एन टू यू टू, इस तरीके का हम लोग बात कह सकते हैं, क्योंकि वो सेम ही चीज़ है जिसको अपन ने दूसरे दूसरे चीज़ों में, दूसरे दूसरे यूनिट्स में अपन ने मेजर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्ट करने में काम देता है, ठीक है। ये आपको कन्वर्ट करने में काम देता है, मतलब अगर आपको पूछ लेता है लेट्स से 5 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स, 5 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इस केजी को कन्वर्ट करोगे 1000 में,
राइट 1000 ग्राम्स में, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 5000, तो 5 kgs 500, 5 kgs 5000 ग्राम्स, मतलब कि N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, कुल मिला के बात यहाँ पर यही है, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेन्ड इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू NU, N इज प्रोपोर्शनल टू 1/U, NU बोल लो, NU इज अ कॉन्स्टेंट बोल लो, चाहे N प्रोपोर्शनल टू 1/U बोल लो, आपकी मर्जी है यहाँ पे, ठीक है, वेर N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड U इज द साइज ऑफ द यूनिट, U क्या है, साइज ऑफ द यूनिट एंड N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यार ये बेसिक सा चीज समझ में आया, ठीक है, बेसिक सा चीज समझ में आया, आप लोग कहीं भी बुक्स में देखोगे बेसिक बेसिक बातें लिखी रहती है जो कि थोड़ी बोरिंग रहती है, जिस वजह से मैं क्या करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। तो यहाँ पर मेरे पास में क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एम्स में, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी आपको पूछ रहा है, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी आपको पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आया अपने पास में एम्स 2012, ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये नीट वालों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, ध्यान रखना, जेई वालों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, नीट वाले के लिए भी हेल्पफुल रहेगी अपने पास में, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, जो पिछला क्वेश्चन दिया था मैंने, मैंने वो डीसी पांडे न्यू पैटर्न आईआईटी जेई वाले बुक से दिया था, इसके पहला जो फर्स्ट स्टार्टिंग का क्वेश्चन दिया था, तो ऐसा भी मत समझना कि कोई क्वेश्चन मैं एम्स का करा रहा हूँ तो नीट वाले ही देखेंगे, मैं जेई का भी कराऊंगा, मेन्स का भी कराऊंगा, एडवांस का भी कराऊंगा, ठीक है, एटलीस्ट इतना तो होगा कि आपका जेई मेन और नीट कवर अप हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है, आप मोर देन 90% मार्क्स लाने के लिए केपेबल हो जाओ। तो यहाँ पर बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, आपको उसमें चार ऑप्शन दिया है, आप लोग ट्राई करना स्टार्ट करो, ट्राई करना स्टार्ट करो, सी स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, ये ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सी स्क्वायर एम माइनस टू एंड एन माइनस वन, ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन आपके पास में है सी स्क्वायर एम स्क्वायर एन माइनस वन एंड चौथा ऑप्शन आपके पास में है सी माइनस वन, सी माइनस वन एम स्क्वायर एंड एन माइनस टू, तो ये आपके पास में ऑप्शंस हैं, ठीक है, ट्राई करो इसको यार, ठीक है, थोड़ा सा आप हो सकता है वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, जैसे मर्जी आप इसको ट्राई कर सकते हो, मैं बताता हूँ, ठीक है, तो इसको आप बहुत सीरियसली लेना है इस सीरीज को यार, अपने प्रिपरेशन के लिए, अगर आपको आए चाहे ना आए, कभी हो सकता है ये क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा हो आपको तो आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा जो आपको नहीं भी आती होंगी, तो परमिटिविटी जिस जिसको फॉर्मूला पता है कूलम्स लॉ का, जो भी लोग को फॉर्मूला पता है एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, अब 11th वाले बच्चे बोलेंगे भाई हमको तो ये सब नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सब कुछ आप अगर एक ही दिन में सीख लोगे नहीं होता ऐसा, बट ये चीज़ समझो आप लोग कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये आगे हर चैप्टर में आने वाला है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, बट आपको एक चीज समझ में आया कि ये जो चैप्टर हमारा ये आगे हर हर चैप्टर पे आएगा, तो ये आप 12th में चले जाओगे तो भी आपको ये चैप्टर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस एक ऐसा चैप्टर है जो एक चैप्टर नहीं है, वो पूरा सिलेबस है, उसमें आप कहीं से भी कोई सा भी चैप्टर उठा के कहीं से भी आपको बोल सकता है डायमेंशन निकालो, यूनिट निकालो वगैरह वगैरह, तो जो 12th वाले बच्चे जिन्होंने ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला देख रखा है एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, वो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो के की वैल्यू होती है, ठीक है, फोर्स तो हमारा हो गया न्यूटन में, ठीक है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है परमिटिविटी, और ये अपने पास में हो गया कूलम स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास में एल स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया सी स्क्वायर एल माइनस टू और हमारे पास में हो गया एन माइनस वन, ठीक है, और 4 पाई तो अपने पास में नंबर है, तो कोई भी ऐसा नंबर होता है ना, जैसे साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं था, उसी तरीके से कोई नंबर होता है ना 4 पाई 1 2 3, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, नंबर है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर, नंबर है, तो सी स्क्वायर एल माइनस टू एन माइनस वन, देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी स्क्वायर, अब एल के जगह यहाँ पर मीटर लिया हुआ है, तो सी स्क्वायर एम माइनस टू, सी स्क्वायर एम माइनस टू एन माइनस वन, सो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, यस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यार समझ में आ रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन और लूँ क्या आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन और लूँ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट निकाले, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट निकालते, एक क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पूछ रहे अपने को, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट बताओ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, प्रैक्टिस करो यार आप लोग सब, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन आपके पास में आया, ये आया मणिपाल में, ठीक है, ये मणिपाल में आया क्वेश्चन, तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ आई आई टी जेई के क्वेश्चन करोगे,
कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता है ना और सिर्फ ITJEE के क्वेश्चन कराता है, तो वो टीचर बना रहा है आप लोगों को और आप लोग बन रहे हो। फिजिक्स की प्रिपरेशन तब होती है जब आप बेसिक जीरो लेवल से लेकर ITJEE लेवल तक प्रिपेयर कर लो। उसका ये मतलब नहीं होता कि अपन सारे क्वेश्चन ही ITJEE के करेंगे प्रिपरेशन करते वक्त, ठीक है ना। सो मणिपाल में आया क्वेश्चन है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, आपको यूनिट बतानी है। मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपको बोल रहा है ओम सेंटीमीटर माइनस टू, यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बोल रहा है ओम माइनस वन सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी आपको बोल रहा है यहाँ पर ओम माइनस वन सेंटीमीटर माइनस वन, ठीक है। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो आप लोग क्लास टेंथ में भी पढ़ते हो, आप लोग क्लास टेंथ में भी पढ़ते हो आर इक्वल्स टू रो एल बाई एरिया, पढ़ते हो कि नहीं ईमानदारी से बताना। आर इक्वल्स टू रो एल बाई एरिया, ये तो सभी लोग पढ़ते हैं यार। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस, ठीक है। मेरी बातें बस आप लोग सुन लोगे ना पूरी फिजिक्स, अगर आपको कुछ नहीं आता बेसिक से, बस बातें आप लोग सुन लो और कर लो मेरे साथ साथ। ऐसा समझो कि सर खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं और हम बस सर के बगल में बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आर क्या है? रेजिस्टेंस। उसी तरीके से वन बाई रो जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भाई, जो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का होगा उसमें कंडक्टिविटी कंडक्टेंस उतना कम होगा, समझो। जिसमें जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसमें कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा, ऑपोजिट टर्म्स है। तो उसी तरीके से वन बाई आर इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस। सो दिस इज कंडक्टिविटी सिग्मा। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं? आर ए अपॉन एल, ये अपना क्या है? रो है, आर ए अपॉन एल। तो वन बाई रो कितना होगा? वन बाई रो विल बी इक्वल्स टू अपने पास में एल अपॉन आर ए, एंड दिस इज वॉट? कंडक्टेंस। सो एल बाई आर ए, एल मतलब मीटर, अपॉन आर मतलब ओम, एरिया मतलब कि मीटर का स्क्वायर। सो दिस इज लाइक अ मीटर वन नीचे, तो मीटर माइनस वन ओम माइनस वन। सो मीटर नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सो वी विल टेक एज ओम माइनस वन एंड सेंटीमीटर माइनस वन। समझ में आएगा क्या आप लोगों को? समझ में आएगा कि नहीं? ठीक है, तो मणिपाल का क्वेश्चन था, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। नाइन्थ का आंसर इज डी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है इसीलिए मैं नाइन्थ कह रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, आगे चले हम लोग अपने थ्योरी में, फिर वापस से आ जाएंगे अपन इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन अपनी थ्योरी में, ताकि जो बच्चे जिनको नहीं हो रहा सॉल्व उनके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो अपने पास में क्या होता है? अपन ने एन यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तक पढ़ लिया था। अपने पास में क्या बात आती है? बात आती है कि फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, कि भाई फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, मैं हेडिंग डाल देता हूँ फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स यार, ठीक है। क्या होता है भाई लोग, बहन लोग? द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। द यूनिट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। मतलब क्या है? जो फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता, किसी और की जरूरत नहीं है, वो फंडामेंटली डिफाइंड है, उसको कहते हैं अपन फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एंड उनके जो यूनिट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब कि अपने पास में यहां पर आप लोगों को पता, आप लोगों ने सुना होगा, सात होते हैं, सात होते हैं, राइट, सात होते हैं ना। हो गया अपने पास में क्या क्या हो गया? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, कैंडेला हो गया, मोल हो गया, वो सारी चीज़ें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सारी चीज़ें होती है। तो क्या होता है? मतलब लेंथ, मास, टाइम, करंट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेंथ मास ऑर्डर में, लेंथ मास, वी हैव टाइम, वी हैव इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, देन वी हैव थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, एक दो तीन चार पाँच हो गया, एंड देन वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट, कैंडेला एंड मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड वी हैव ल्यूमिनस
इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। इसके जो यूनिट्स होते हैं अपने पास में, जो सिंबल होते हैं अपने पास में, इसको मीटर बोल देंगे अपने, इसको अपन केजी बोल देंगे, इसको केल्विन बोल देंगे, राइट। सॉरी ये तो टाइम है, इधर अपने टेम्परेचर में केल्विन बोल देंगे, करंट में एम्पियर बोल देंगे, इसको मोल बोल देंगे, इसको अपन कैंडेला बोल देंगे। और सबके रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे मोल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं MOL से, इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको केल्विन K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसको अपन सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको KG से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सबके अपने अपने डेफिनेशन होते हैं। अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा डेफिनेशन दिखेगा कि भाई मीटर क्या होता है। सो द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/2997922458 ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको डेफिनेशंस दिखेंगे। बेसिकली 299792 ये क्या है पता है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट अपने पास में क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये अप्रॉक्स है। अगर इसको एग्जैक्ट करने जाएंगे तो ये आएगा 299792, ठीक है, 458 458, ठीक है, 299792458। तो ये अपने पास में क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। तो उसी तरीके से डिफाइंड है कि 1 मीटर उतना लेंथ है ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, जितना जो लाइट है वो ट्रेवल कर सकता है कितने सेकंड में, 1/ इतने सेकंड में, इतना मीटर पर सेकंड होता है। यूनिटरी मेथड लगा दिया, ठीक है, जैसे कि 3 × 10⁸ मीटर इन 1 सेकंड, तो 1 मीटर इन कितना सेकंड, 1/3 × 10⁸। तो वही चीज बोल रहा है, 1/299792458 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है लाइट इन वैक्यूम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मीटर यार। तो ऐसे आपको अलग अलग स्टैंडर्ड डेफिनेशंस मिलेंगे बुक्स में। केजी का डेफिनेशन, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम केप्ट एट प्लैटिनम इरिडियम इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट, ये सारे आपको डेफिनेशंस मिलेंगे। 1 सेकंड क्या होता है, इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस, एम्पियर क्या होता है, केल्विन क्या होता है, तो ये सारे डेफिनेशंस बस आपको एक एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्स में, मैंने तो कभी नहीं देखा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, कभी अगर कुछ जनरल नॉलेज के लिए कुछ अगर क्वेश्चन आ गया तो बात अलग, एक आधा बार कभी कभी कहीं ना कहीं आ जाता है, बाकी और इसका कोई लेना देना आपको नहीं। आपको रट्टा नहीं मारना है कि भाई केल्विन क्या होता है, केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए भाई सेल्सियस और इसका कन्वर्जन क्या होता है, 273 डिग्री का जो कन्वर्जन है वो पता होना चाहिए आपको। ये डेफिनेशन पूरा रट के नहीं रखना है, आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, बना के डेफिनेशन आप बस ये देख लो कि हाँ डेफिनेशन प्रिपेयर कैसे हुआ है, ठीक है। बस आपके उतने अंडरस्टैंडिंग के लिए JEE NEET की अगर आप पढ़ाई करो तो उतना आपके लिए काफ़ी है यार, ठीक है। तो अपने पास में वही है, मोल ऑफ द सब्सटेंस, वो आपका कार्बन 12 के हिसाब से आपका डिराइव होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5/14⁻¹² एंड हैज रेडिएट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन, ठीक है। अभी रेडियन स्टेरेडियन क्या होता है ये अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। रेडियन स्टेरेडियन हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ एक आधा और प्रॉब्लम्स आपको करा दूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, इंटरेस्ट आप लोगों का बना रहे। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, देखते हैं कुछ अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा आप लोगों के लिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी, क्वेश्चन यहाँ पर मेरे को एक अच्छा सा दिख रहा है, द डायमेंशंस, आप लोग भी अपने कॉपी पेन लेके सॉल्व करो, द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी, द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी इन द इक्वेशन, द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी इन द इक्वेशन, पी इज इक्वल्स टू ए माइनस टी स्क्वायर, पी इज इक्वल्स टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ठीक है। वेयर पी क्या है अपने पास में, वेयर पी इज प्रेशर, पी अपने पास में क्या है, प्रेशर है, ठीक है। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, एक्स इज डिस्टेंस, राइट, एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम, टी इज द टाइम। तो अपने को क्या है, टी इज द टाइम। कभी कभी मैं ना बहुत गंदे तरीके से लिखता हूँ, बट आप भावनाओं को समझना कि यहाँ पर टी जो है वो टाइम है, ठीक है। अब अपने को इसका डायमेंशन चाहिए ए बाई बी का, तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करना यार। एम स्क्वायर हो गया, एल हो गया, t-3 हो गया, प्लीज सॉल्व करना इसको फटाफट यार, फटाफट से सॉल्व करना, ठीक है। मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व कर दो, m हो गया, t हो गया, -2, आप लोग की पूरी प्रैक्टिस मैं करा दूंगा,
ठीक है, बस आपको मेरे सेशंस देखने हैं, मेरे वीडियोस देखने हैं, डैट्स ऑल, डैट्स ऑल यार। ठीक है, इसी के साथ आप लोग पढ़ लोगे, अलग से आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बस सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, LT-3, तो ये अपने पास में क्या है, ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो एकदम जिनको कुछ नहीं आता है, जो अभी अभी 11th में आए हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या है ये जेई की दुनिया, ठीक है, बड़ा गंदा सा फील हो रहा है आप लोगों को कि यार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कैसे होगा, कौन गाइड करेगा, क्या यूट्यूब पे मिलेगा, क्या यहाँ मिलेगा, क्या वहाँ मिलेगा, सब पजल्ड हो आप लोग सब। ठीक है, कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में, देखो डायमेंशंस निकालना है आपको ए बाई बी का। तो सबसे पहले नीचे देखो बी, सबसे पहले आप ऊपर देख लो, चलो ऊपर देख लो, तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये जो ए है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को क्या है सुंदर सुंदर दिखे। तो जो ए है वो किसके साथ है, टी स्क्वायर के साथ है। तो ध्यान रखना, मैं जो रूल बता रहा हूँ आप लोगों को, रूल बता रहा हूँ आप लोगों को, कि ऐसे जो प्रोडक्ट जो प्लस और माइनस होता है ना, तो ए जो है वो टी स्क्वायर के साथ अगर माइनस हो रहा है, तो ए का जो डायमेंशन होगा वो टी स्क्वायर के बराबर होगा। ध्यान रखो, दो सेम क्वांटिटीज होते हैं, दो सेम यूनिट्स होते हैं, जो सेम डायमेंशंस होते हैं, तो ही वो प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, आप किसी के वेट को किसी के वेलोसिटी के साथ में आप कैसे प्लस करोगे, आप अगर बोलोगे 5 kg प्लस 7 m/s², आप वेट को एक्सेलरेशन के साथ में कैसे आप ऐड करोगे, नहीं कर पाओगे ना। वेट को वेट के साथ ऐड किया जाता है, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ में वेक्टरिकली ऐड किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर ए टी स्क्वायर के साथ माइनस हो रहा है, डैट मीन्स ए का जो डायमेंशन है डैट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। अब प्रेशर क्या होता है, ठीक है, प्रेशर इज समथिंग, प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, फोर्स इज ML(T-2) एंड एरिया इज L². सो प्रेशर इज बेसिकली ML-1(T-2), दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेशर, एंड दिस इज इक्वल्स टू ऊपर वाला टर्म, ऊपर वाला टर्म क्या है टी स्क्वायर के बराबर है, राइट, नीचे वाला टर्म में बी है एंड नीचे वाले टर्म में एक्स है, और एक्स का डायमेंशन क्या होगा, एक्स का डायमेंशन एल के बराबर होगा, एज सिंपल एज डैट। तो यहां से बी का डायमेंशन आ गया, बी का डायमेंशन क्या है अपने पास में, ये जो एल है अपने पास में, ये जो एल है ये इधर जाएगा तो इसको कैंसिल आउट करेगा, ठीक है ना, और ये जो है ये जब इधर जाएगा तो अपने पास में -4 आएगा, तो बी इसको इधर लाओ, इसको इस तरफ लाओ एंड ऊपर लेके जाओ, सो बी विल बी इक्वल्स टू M-1 एंड T4, बी विल बी इक्वल टू M-1 एंड T4। अब ए बाई बी कर लेना, सिंपल एज डैट, ए बाई बी कर लो आप लोग, ए कितना आया टी स्क्वायर अपॉन बी कितना आया M-1 एंड T4, तो ये कट के यहाँ पे ये आएगा, सो ए बाई बी विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, ऊपर में एम आएगा T-2, सो MT-2, सो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, मैं एक बार इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, या ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यार। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ऊपर में अपने पास में क्या हो रहा था, सब्ट्रैक्ट हो रहा था, उसकी डायमेंशन आपकी सेम होनी चाहिए। अब LHS में प्रेशर है, RHS में टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स है, एक्स का डायमेंशन पता है, बी का डायमेंशन निकाल लोगे वहां से, प्रेशर फोर्स बाय एरिया है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये प्रेशर जो है ये फोर्स बाय एरिया कैसे है, ठीक है, सॉरी प्रेशर तो फोर्स बाय एरिया है, लेकिन ये जो फोर्स है ये ML(T-2) कैसे है, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर डिराइव कर दिया कि भाई जो फोर्स होता है वो एम ए होता है, अब जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी बाई टाइम और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो यहाँ से आ गया ML(T-2), तो अपन बार बार डिराइव नहीं करेंगे इसको, है ना, अपन बार बार इसको डिराइव नहीं करने जाएंगे कि भाई फोर्स होता है ML(T-2) उसको भी डिराइव करें, नहीं, अब एक बार आ गया ना अपने पास में फोर्स ML(T-2) होता है, वो अपने को याद हो जाता है ऑटोमेटिकली, प्रैक्टिस के साथ याद हो जाता है, ऐसा भी नहीं कि आपको डायमेंशन याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि यार अपन को क्या डायमेंशन याद करने पड़ेंगे, नहीं याद नहीं करना पड़ेगा, जो बेसिक अपने पास में होते हैं फोर्स के, वर्क डन के, इन सब के डायमेंशन धीरे धीरे अपने को याद ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है, तो आओ अपन थ्योरी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, थ्योरी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास में क्या है, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट, सिंपल सा चीज़ है, आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों को करा दिए हैं डिराइव्ड के, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज
ठीक है, एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, सिंपल सा है यार। फंडामेंटल से बना हुआ जो होता है, फंडामेंटल से बना हुआ जो होता है, दोज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज है। जैसे कि अपने पास में क्या है, मान लो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस आपने पीछे किया, आपने फोर्स किया, तो फोर्स क्या है, डिराइव्ड हुआ। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का जो एल था वो क्या था, फंडामेंटल यूनिट था। टाइम का जो टी था वो क्या था, फंडामेंटल। लेकिन जो स्पीड है वो क्या बना, एल टी माइनस वन। सो दिस इज अ डिराइव्ड, ठीक है, ये इसका डायमेंशन है एल टी माइनस वन। एंड अपने पास में यूनिट जो आती है वो आती है मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है। और जो क्वांटिटी है क्या है, इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। सो डेफिनेशन भी एक बार रीड कर दो, क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, द यूनिट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो डिराइव्ड यूनिट होते हैं, ठीक है। एंड अपने पास में क्या है, यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा अपने पास में चीज था। मैं को चाहूंगा कि एक दो और आपके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर अभी करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आपको मैं लेता हूँ। साथ साथ मैं क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को फुल प्रैक्टिस होते रहे साथ साथ में। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, बढ़िया क्वेश्चन है, केरला में आया हुआ है, केरला CEE में आया हुआ है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो स्टेट एग्जाम्स पे भी डिपेंडेंट होते हो, नेशनल एग्जाम अगर नहीं फोड़ पाते तो स्टेट एग्जाम आपका एक दूसरा सहारा रहता है, ठीक है। बट बात यहाँ पे स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन की नहीं है, बात यहाँ पे फिजिक्स सीखने की है। तो नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स, कह रहा है टॉर्क, कह रहा है ऑप्शन ए में टॉर्क जो है दैट इज NM, ऑप्शन बी में स्ट्रेस जो है दैट इज NM-2, ऑप्शन सी में मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज NM-2, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज NM-2, डी ऑप्शन इज पावर, डी ऑप्शन इज पावर, एंड दैट इज NMS-1, NMS-1, एंड ई ऑप्शन इज सरफेस टेंशन, इट्स सरफेस टेंशन, एंड दैट इज NM-2, NM-2 यार। आपको बोल रहा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो कि पांच ऑप्शन कैसे आ गया, हमने तो सुना था कि चार ही ऑप्शन आता है, कुछ कुछ एग्जाम में आ जाता है यार, कुछ कुछ एग्जाम में पांच ऑप्शन भी आ जाता है, स्टेट एग्जाम कुछ कुछ होते हैं जिसमें पांच ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई टॉर्क है क्या। सो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो इसको अपन बोल सकते हैं आर एफ साइन थीटा। अब जो बच्चे एकदम अभी अभी 11th में आए हैं, बेसिक से मेरा लेक्चर देख रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा, यू नीड टू कीप पेशेंस। अगर आप अभी पेशेंस लूज कर दिए, बड़ी दिक्कत आएगी। ये जो आपको प्रॉब्लम अभी फेस करने को मिल रहा है ना कि यार अचानक से टॉर्क आ गया, ये सिर्फ आपको फर्स्ट चैप्टर में ही फेस करने को मिलता है। आगे जैसे जैसे वेक्टर्स में जाते हैं, काइनामेटिक्स में जाते हैं, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, फ्रिक्शन, ये आपको फेस करने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर में एप्लीकेशन है। तो आप घबराओ मत, टॉर्क आप जैसे जैसे रोटेशन में जाओगे आप टॉर्क पढ़ोगे, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बस देखना है, अगर आपसे बन रहा है फाइन, नहीं बन रहा तो बस देख लो कि हाँ टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, कुछ ऐसा होता है आर इंटू एफ ऐसा करके कुछ लिखते हैं यार, ठीक है, वो क्या है देखेंगे आगे, लेकिन अपने को घबराना नहीं है। करते कैसे ये पता चल गया, फॉर्मूला वगैरह आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास में आर हो गया अपने पास में मीटर, और एफ हो गया न्यूटन। सो न्यूटन मीटर यहाँ पर अपने पास में आ गया, मतलब ये करेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट वाला खोजना है, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस अपने पास में होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स मतलब क्या हो गया, न्यूटन, पर यूनिट एरिया मतलब NM-2, तो ये भी अपने पास में करेक्ट हो गया। अब यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इक्वल्स टू गामा होता है ना, तो स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये आप लोग यंग्स मॉडुलस समझोगे आगे जाके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, रोटेशन ग्रेविटेशन के बाद ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। तो स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का डिविजन हो रहा है, तो डैट मीन्स उसका जो डायमेंशन है, जो यूनिट है, वो अपने पास में कुछ नहीं है, ठीक है, कट जाएगा। तो बचा स्ट्रेस, तो इसका मतलब जो वाई का डायमेंशन है, जो वाई का डायमेंशन है वही स्ट्रेस का डायमेंशन है, क्योंकि बेस डिनोमिनेटर वाला टर्म डायमेंशनलेस है। तो वाई का जो डायमेंशन होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो स्ट्रेस का भी डायमेंशन होगा, डेट मीन्स इसका भी डायमेंशन NM-2 ही होने वाला है, ये भी करेक्ट है। पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम,
पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोग कहाँ पढ़ोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो फिजिक्स कैसे चलती है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, ठीक है, आगे लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स, हीट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइक, अपने पास में क्या हो जाएगा, अपने पास में ये हो जाएगा एन एम एंड एस माइनस वन, तो एन एम एस माइनस वन, तो ये भी अपने पास में सही हो गया। और जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। तो फोर्स पर यूनिट, तो एन एम माइनस वन होना चाहिए था, यहाँ पे एन एम माइनस टू दिया है, सो दिस इज द ऑड वन आउट, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दिस इज द ऑड वन आउट यार, दिस इज द ऑड वन आउट। तो यही हमारे पास में क्या है, इनकरेक्ट है, और इसी को अपने को पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है, क्वेश्चन आया था बीएचयू में, ठीक है, बीएचयू 2007 में, पार्सेक, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, ठीक है। तो मेरे सेशंस देख के ना आपका जनरल नॉलेज भी बहुत बढ़ेगा, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक किस चीज़ का यूनिट है, आप में से बहुत सारे बच्चों को आंसर पता चली गया होगा, टाइम, बी इज द डिस्टेंस, ठीक है, सी इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड टी इज द एंगुलर एक्सिलरेशन, इज द एंगुलर एक्सिलरेशन, ठीक है। तो ध्यान रहे, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, क्या क्या तुक्का तुक्का तुक्का, इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यार, ध्यान रखना, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यार, ठीक है। एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, केरला सी डबल ई में आया हुआ क्वेश्चन है, केरला सी ई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2006 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट यार, इसमें से कौन सा डिराइव्ड यूनिट नहीं है। ऑप्शंस अपने पास में पहला दिया है फ्रीक्वेंसी, दूसरा अपने पास में ऑप्शंस दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, फिर अपने पास में दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, फिर आपके पास में दिया ऑप्शन डी चार्ज, ठीक है, एंड देन आपके पास में ऑप्शन ई दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आप में से अगर सारे बच्चों ने अभी मेरा लेक्चर अच्छे से देखा है, बिना स्किप किए देखा है, ठीक है, तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या, मैंने अभी अभी इसका आंसर बताया था, ठीक है। मैंने जो सात फंडामेंटल आपको बताए थे उनमें से एक यहाँ पर है, जो कि अपने पास में इलेक्ट्रिक करंट है, बाकी सारे डिराइव्ड हो गए। फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट एच होता है, इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा से निकाल सकते हैं एच का डायमेंशंस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, वहां से जी का डायमेंशन निकाल सकते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू से। चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, क्योंकि करंट होता है चार्ज बाई टाइम, तो क्यू इक्वल टू आई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू आई टी। तो सारे जो हैं वो किसी ना किसी पे डिपेंड करते हैं, बट करंट किस पे डिपेंड करता है, करंट तो फंडामेंटल है ना, लेंथ किस पे डिपेंड करता है, मास किस पे डिपेंड करता है, टाइम किस पे डिपेंड करता है, करंट किस पे डिपेंड करता है, मोल किस पे डिपेंड करता है, किसी पे नहीं। चार्ज किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम, फ्रीक्वेंसी किस पे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाई टाइम, सो टी माइनस वन, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, सो जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू, E equals to hc by lambda, so h equals to E by frequency, E equals to h mu, h equals to E by mu, समझ में आ रहा है आपको। तो ये अलग अलग फॉर्मूले से, जिनको पता है वो मेरी इस बातों को रिलेट कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, लेकिन जिनको नहीं पता है, पहली बार सुन रहे हैं यार ये प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, अभी अबू अपन 11th में आयला है, अपन को क्या पता है प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, तो पहले ही सेशन में बोला बेसिक से पढ़ाएगा, और बेसिक से पढ़ाएगा बोला, लेकिन ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट अचानक अचानक से ऐसी सी अलग अलग साइंटिस्ट का नाम ले रहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या है प्लैंक, क्या होता है। अपन तो प्लैंक समझते हैं, प्लैंक जिसके ऊपर में खड़े
खड़े होते हैं और खड़े होकर टीचर बोर्ड पे पढ़ाते हैं वो प्लैंक समझते हैं अपन, तो ये कौन सा प्लैंक है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा व्हाट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ोगे एच की वैल्यू, मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं सोच ऐसा ही रहा हूँ कि ये बच्चा जो है, जो भी आप लोग देख रहे हो वीडियो, ये सबको हेल्पफुल हो जाए। जो बच्चा एकदम स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहा है उसको तो हेल्पफुल हो ही सही, लेकिन साथ में जो बच्चे प्रिपरेशन चालू कर चुके हैं उनको भी ऐसा ना लगे कि अरे यार ये तो बच्चों वाली सीरीज है, ये अपन क्यों देखेंगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला नहीं सॉरी, बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था। जो सात अपने पास में होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा हैंडराइटिंग यहाँ पे खराब है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत गंदे तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बहुत गंदे तरीके से लिखा है, बट या यू शुड अंडरस्टैंड द भावना, यू शुड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड यू हैव योर बुक्स टू स्टडी। यार यू हैव योर बुक्स, बुक्स किस लिए खरीदोगे, क्या मेरी वीडियोज आने के बाद में तुम बुक्स खोलना बंद कर दोगे, ऐसा तो है नहीं ना यार, ऐसा तो है नहीं। तुम लोग भी चेक करोगे कि हाँ सर कुछ छोड़ तो नहीं रहे, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो छोड़ रहे होंगे जरूरी है। डेफिनेशन पूरा नहीं बताया, लेंथ का, मास का, टाइम का पूरा पूरा डेफिनेशन नहीं बताया, ऊपर ऊपर से बता के छोड़ दिया। बुक खोल के देखते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अपने को इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन नहीं बताया, ठीक है। एनीवेज देख लेना आप लोग सब बुक में जो डेफिनेशन वगैरह है। बात करते हैं हम लोग आगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में, ठीक है। व्हाट इज दी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं यार, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं अपने को, अपने को डेफिनेशन एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। अदर दैन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल और डिराइव्ड के अलावा देर आर टू मोर क्वांटिटीज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, दो और होते हैं जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ओके। द यूनिट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसके यूनिट्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो जैसे अपन ने कहा था कि भाई डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, उसी तरीके से सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के यूनिट्स को बोलते हैं अपन सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या होते हैं, दो होते हैं, प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल यार, द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल यार, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आता नहीं है, एक बार में सब कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान दो, ठीक है। प्लेन एंगल करके एक चीज़ होता है, ठीक है, रेडियन, क्या रेडियन, और एक होता है सॉलिड एंगल करके, क्या सॉलिड एंगल, क्या स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है, रेडियन एंड स्टेरेडियन। प्लेन मतलब समझ रहे हो, एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन का मतलब क्या है, ये मान लो इस तरीके से सर्कल है आपके पास में, और ये इस तरीके से इसी प्लेन में कोई एंगल थीटा बन रहा है, एक ऐसा एंगल थीटा जो तब बना जब ये जो आर्क की लेंथ है ना, आर्क की लेंथ मान लो एस है और ये जो रेडियस है ये मान लो आर है, तो आपको पता है एस इक्वल्स टू आर थीटा होता है, एस इक्वल्स टू आर थीटा पता है ना आपको, एस इक्वल्स टू आर थीटा, सो थीटा इक्वल्स टू आपको पता है ना एस बाई आर। तो एस की वैल्यू और आर की वैल्यू अगर सेम हो जाए ना, एस की वैल्यू जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो जाए ना, तो ये कट जाएगा और ये वन आ जाएगा, वन यूनिट, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वन रेडियन, वन रेडियन इसी को बोलते हैं। वो एंगल जो तब सब्सटेंड हो रहा है जब आर्क लेंथ और जो रेडियस है वो सेम हो जाए। सॉलिड एंगल भी ऐसा ही कुछ रिलेटेड है। सॉलिड एंगल क्या होता है ना, बस 3D में होता है। मान लो अपने पास में एक स्फीयर का ये एक पार्ट है, एक स्फीयर का ये एक पार्ट है, समझ में आ रहा है आपको, दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर यार, ठीक है। कैसे मैं आप लोगों को डायग्राम बताऊं, कुछ इस तरीके की चीज, कुछ इस तरीके की चीज मान लो आप, ठीक है। मान लो एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, उसमें से एक स्क्वायर कट किया अपन ने, और वो स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है, उसका एरिया इतना है जितना कि रेडियस का स्क्वायर है, उस स्क्वायर का एरिया उतना है जितना कि रेडियस जो है, ये जो रेडियस जो है, ठीक है, ये जो रेडियस है उसका स्क्वायर करने पर जितनी वैल्यू आएगी उतना ही एरिया है, उतनी ही वैल्यू का एरिया है उस स्क्वायर का। तो मैं डेफिनेशन भी आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ। पहले मैं इसके लिए पढ़ देता हूँ, प्लेन एंगल के लिए क्या बोल रहा है, रेडियन,
ठीक है, सिंबल है RAD, RAD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सब चीज़ें धीरे धीरे आप लोग जान जाओगे। RAD ये सब चीज़ को रटने की नहीं होती, RAD, और स्टेरेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं SR से, ठीक है, SR से, जैसे मेरे को रिप्रेजेंट करते हैं AR से, है ना, मेरे को रिप्रेजेंट करते हैं AR से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो मैंने बताया कि जो इक्वल इन लेंथ होगा वो आर्क रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा, उस एंगल को, उस मोमेंट पे जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं 1 रेडियन। और स्टेरेडियन की क्या डेफिनेशन है, स्टेरेडियन की डेफिनेशन बोल रहा है, 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ध्यान दो, ये सेंटर है स्फीयर का, ठीक है, ये पूरा स्फीयर है तो ये सेंटर है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड सेंटर ऑफ द स्फीयर बाई दैट सर्फेस ऑफ द स्फीयर, उस सर्फेस स्फीयर पे, उस सर्फेस के द्वारा विच इज इक्वल इन एरिया, विच इज उस स्फीयर जो एरिया है वो इक्वल है किसके, टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो भी रेडियस ऑफ द स्फीयर है, जो यहाँ से अपने पास में सेंटर से लेके टेंजेंट तक का डिस्टेंस है, इसके स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इस पे एप्लीकेशन जब जब टाइम मिलेगा, जब जब मौका मिलेगा, अपन इसको डिस्कस करेंगे, रेडियन स्टेरेडियन के एप्लीकेशन को, बट बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ऐसा नहीं है, कभी कभार आ जाता है, ठीक है, कभी कभार इसका जो है यूज़ आपके पास में आ जाता है। सो टाइम क्या हो रहा है अभी, बस मैंने 1:20 पे मैंने स्टार्ट किया था, 2:10 हो गया, तो 50 मिनट ऑलरेडी हो चुका है लेक्चर को, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, इसको खत्म करते हैं पूरा, ठीक है। अभी अपने पास में सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपने पास में, और कुछ थोड़े बहुत बेसिक से कन्वर्जन्स दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, खत्म करते हैं इसको, खत्म करते हैं, ठीक है। 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर भले ही बन जाए, आई नीड टू फिनिश दिस ऑफ। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट जो अगला टॉपिक निकल के आता है, वो आता है सिस्टम, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। मैं बार बार बुक क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम से काम करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं हवा में अपनी मर्जी से जो मन आया जो याद आया पढ़ा दिया ऐसा नहीं करना चाहता, मैं सिस्टम से काम करना चाहता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं बुक देख रहा हूँ, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सो सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ताकि मैं टॉपिक छोड़ ना दूँ, ठीक है, गलती से भी कुछ छोड़ ना दूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी बुक से पढ़ोगे तो आपको उसी ऑर्डर में, उसी तरीके से, उसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा मेरे सेशन के थ्रू, इतनी बड़ी बात हो गई। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या, CGS, FPS, MKS, इंटरनेशनल, SI, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया, CGS हो गया, FPS हो गया, राइट, और क्या हो गया, MKS हो गया, और क्या होगा, SI हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है अपने पास में CGS, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसको क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, समझने का ट्राई करना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये क्या हो गया, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। पाउंड सुनते ही ना वो WWE की याद आ जाती है, WWE में अपन क्या है देखते थे कि कौन कितने पाउंड का है, खली कितने पाउंड का है, बिग शो कितने पाउंड का, तो बचपन की यादें आ जाती है दिमाग में, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। MKS क्या हो गया, MKS अपने पास में हो गया वही, ठीक है ना, मीटर हो गया, KG हो गया, सेकंड हो गया, राइट, मीटर, KG एंड अपने पास में सेकंड हो गया, और ऐसा ही अपने पास में रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम बोला जाता है, ठीक है, ऐसा ही अपने पास में अभी फॉलो हो रहा है, ऐसा ही अपने पास में फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, CGS में क्या होता है, अपने सेंटीमीटर को मानते थे, ग्राम को मानते थे, सेकंड को मानते थे, इस पे अपन फुट पाउंड और सेकंड को मानते थे, यहाँ पर अपन ये तीन मानते थे, SI में ये तीन तो आता ही है, ठीक है। SI क्या है, मान लो आप इसी का ही एक बड़ा वर्जन है जिसको आज के डेट में यूज करा जा रहा है वाइडली, ठीक है। बाकी ये तीन तो SI में भी होते हैं, मीटर जो है, KG जो है, और सेकेंड जो है, आप देखोगे सेकंड सब में है, ठीक है, उधर भी आपके पास में CGS में सेकंड है, यहाँ पर भी FPS में सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड है, ठीक है। तो मैं एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेता हूँ, CGS की डेफिनेशन दे रखी है, द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली, द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन एंड दैट ऑफ वर्क इज अर्ग। CGS में क्या होता है ना, फोर्स को अपन डाइन बोलते हैं, ठीक है, तो कई बार आपको डाइन का कन्वर्जन दिखेगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना डाइन, ये क्वेश्चन आपको बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही आपको दिखेगा 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना डाइन, तो इसकी वैल्यू होती है 10^5 डाइन, ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा कैसे, ठीक है। 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग्स, 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना अर्ग्स, तो इसका आंसर होता है 10^7 अर्ग्स, अभी मैं दिखा देता हूँ, ये खत्म करके दिखाता हूँ।
फिर क्या FPS इन द सिस्टम यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर फुट पाउंड सेकंड रिस्पेक्टिवली द यूनिट ऑफ फोर्स इज पाउंडल। ठीक है, तो इसमें यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो पाउंडल होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? पाउंडल होता है, PUND। एम के एस में क्या है अपने पास में? द यूनिट्स ऑफ लेंथ मास टाइम आर मीटर kg किलोग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड दैट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, एंड इसमें अपने पास में वही है, न्यूटन हो गया, जूल हो गया, और एस आई में अपने पास में क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हेल्प्स इन रेवोल्यूशनरी चेंजेस ओवर द एम के सिस्टम। ठीक है, एम के सिस्टम से बेटर है, हेल्प्स इन रेवोल्यूशनरी चेंजेस एंड इज नोन एज रेशनलाइज्ड एम के सिस्टम। इट इज हेल्पफुल टू ऑब्टेन ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। ठीक है, दिस यूनिट इज हेल्पफुल टू ऑब्टेन ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। बस ये बेसिक सा डेफिनेशन है। सबसे ज्यादा वाइडली अभी आज के डेट में यूज किया है एस आई है, पहले सी जी एस यूज होता था एंड फिन कन्वर्ट होते होते आज एस आई पे अपन पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये 1 न्यूटन और इसका बता देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, 1 न्यूटन एंड अर्ग्स। देखो यार, अगर हम बात करें एसआई की तो अपने पास में 1 न्यूटन है, डैट मीन्स न्यूटन क्या है अपने पास में? फोर्स, एंड फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो दिस इज एम एल टी माइनस टू, सो दिस इज द डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको तरीका बताया था ना, वो तरीका याद है आप लोगों को? एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको यूज करे देखे। तो अपने पास में क्या है? अपने पास में क्या है? इसको अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या? के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? मास के लिए केजी आ गया, एल के लिए मीटर आ गया, एंड टी माइनस टू के लिए पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? सीजीएस में कितना होगा? ग्राम हो जाएगा, केजी के बदले ग्राम हो जाएगा, मीटर के बदले सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकेंड के जगह सेकेंड ही रहेगा, राइट? अब देखो, 1 kg इक्वल्स टू कितना ग्राम? 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारे यूनिट्स वगैरह सारे कट गए, आया क्या अपने पास में? 1000 और 100, मतलब कि 10 रेस्ट टू द पावर 5। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आई? 10 रेस्ट टू द पावर 5 आई। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन? 10 रेस्ट टू द पावर 5 डाइन। बार बार ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आई होप ये उन लोगों को हेल्पफुल हो रहा है जो पहली बार ये सारे चीजें पढ़ रहे हैं, नया नया पढ़ रहे हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेस्ट टू द पावर 5 डाइन। उसी तरीके से अर्ग्स देखते हैं, अर्ग्स अर्ग्स देखते हैं। ठीक है, अपने पास में क्या है? एनर्जी की यूनिट है। तो एसआई में अपने पास में क्या होता है? जूल होता है, और सीजीएस में अपने पास में क्या होता है? अर्ग्स होता है। ठीक है, तो अपने पास में क्या है? पहले देखते हैं एनर्जी, एनर्जी क्या है। एनर्जी को हम लोग वर्क डन भी बोल सकते हैं, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ यू नो एनर्जी। तो एनर्जी को आप ऐसा हाफ एम वी स्क्वायर भी बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो, हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा ही नहीं, एम का डायमेंशन एम, और वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एल बाई टी टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये डायमेंशन हो गया एनर्जी का, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट विल बी अपने पास में के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मास के लिए के जी आ जाएगा, लेंथ स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और टाइम माइनस 1 के लिए सेकेंड माइनस 2 आ जाएगा, राइट? तो नीचे में एस स्क्वायर आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 kg, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हाउ मेनी अर्ग्स, हाउ मेनी अर्ग्स। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूँ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर की, तो अर्ग्स में क्या आएगा? kg की जगह ग्राम आएगा, राइट? और मीटर के जगह सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और सेकंड के जगह एस स्क्वायर ही आएगा, राइट? तो समझने का ट्राई करना, केजी को अपन 1000 ग्राम लिख सकते हैं, राइट? 1 को 1 रहने दो। मीटर को अपन 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो सारी चीजें कट गई है, सारी चीजें क्या है? कट जाएंगी, बचेगा क्या? 1000 × 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज 1000 × 1, 2, 3, 4। तो 4 इधर और 3 इधर, 7 हो गए। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रेस्ट टू द पावर 7।
तो फाइनल आंसर क्या आया, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10^7 अर्गस। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10^7 अर्गस। तो ये दो फेमस कन्वर्जन्स है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 डाइन एंड 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 जूल इक्वल्स टू 10^7 अर्गस। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया यार, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने आपको बता दिया, बेसिक चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी है। अब यहाँ पर कुछ कन्वर्जन्स देख लेते हैं, मैं सारे यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ, बहुत हेल्पफुल होता है आप लोगों को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना, ठीक है। क्या बोल रहा है अपने पास में से, अपन बात करते हैं सम अदर यूनिट्स की। तो लेंथ की बात करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको सब लोग नोट कर लेना। अगर मैं बात कर रहा हूँ लेंथ का, तो कई बार आप लोगों को माइक्रोन देता है, कई बार आप लोगों को माइक्रोन देता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, म्यू एम। तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, 10^-6 मीटर। तो ये सारे आपको याद करने हैं यार। नैनोमीटर देता है कई बार, 1 नैनोमीटर। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, एनएम से। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10^-9 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नैनोमीटर दे दिया क्वेश्चन में तो आप कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको। तो 9 से नैनो याद रखो, ठीक है। और फिर 10^-9। एंगस्ट्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एंगस्ट्रॉम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। ए लिखो, ऊपर में ऐसे नॉट डाल दो, ए नॉट, देखो ऐसे ए नॉट, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो ये क्या, 10^-10 मीटर। समझ में आ रहा है आपको? तो ये मैं सारे आपके लिख दो, फर्मी 10^-15, फर्मी, ठीक है। फर्मी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफएम से, एफ एम से रिप्रेजेंट करते। तो 10^-15 मीटर सारे लिख देता हूँ, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एयू से। दिस इज इक्वल्स टू 1.496 10^11, 1.496 × 10^11 मीटर, राइट। 1.496 10^11। 1 लाइट ईयर, 1 LY, 1 लाइट ईयर, ठीक है। 1 लाइटर, हालांकि ये सब आता नहीं है, बस ये जो बेसिक बेसिक है ना, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, ये सब तक ही रहते हैं, बट फिर भी मैं सारे लिख देता हूँ कभी अगर आ जाए। तो 1 लाइटर, 1 LY, 9.46 10^15, 1 LY, 9.467, 467 × 10^15 मीटर्स, ठीक है। और क्या, पार्सेक, पार्सेक जो मैंने बताया था ना, डिस्टेंस होता है, याद है मैंने पार्सेक बताया था आप लोगों को, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो उसका क्या है अपने पास में, 3.08 × 10^16, 3.08 × 10^16 मीटर। तो ये अपने पास में क्या कन्वर्जन्स थे लेंथ के, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको, फिर मैं मास के बताता हूँ सारे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी क्वेश्चन में आपको दे देगा फर्मी, और आप सोचोगे फर्मी क्या होता है, मेरे को तो पता ही नहीं, आगे बहुत आने वाला है, ठीक है। आगे अलग अलग चैप्टर में आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर में कहीं दे देगा फर्मी, तो आप क्या करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मास के बारे में, ठीक है। मास का भी मैं आप लोगों को सारा बता देता हूँ। क्विंटल, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg, 1 क्विंटल, क्विंटन डिकॉक नहीं, क्विंटल, दैट इज नॉट क्विंटन डिकॉक, क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg। आप लोगों का दिमाग क्रिकेट में जाता है ना, आप क्विंट क्विंट सोचते ही आप लोग के दिमाग में याद आता होगा, आप लोगों को क्विंटन डिकॉक क्रिकेट की याद आती होगी, या फिर यूट्यूब पे चैनल्स है क्विंट नाम से, शायद उनकी याद आती होगी, ठीक है। टोन, ठीक है, 1 टोन इक्वल टू 1000 kg, 1 टोन इक्वल्स टू 1000 kg। मेगाग्राम, मेगा आपको पता है, मेगाग्राम 10^3, मेगाग्राम, मेगाग्राम 10^3 kg। गीगा, 10^6 गीगाग्राम, ठीक है, 10^6 kg। आगे क्या है, टेराग्राम, 10^9 टेराग्राम, ठीक है, 10^9 kg। और क्या आपके पास में, स्लग 14.56, ये सब आपका यूज नहीं होता कहीं पे भी, ठीक है, 14.57 kg। और क्या, पाउंड 0.4536, पाउंड 0.4536 kg, ठीक है। ये कुछ रहे अपने में, ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। मेन तो यार वो किलोग्राम तक ही रहता है अपना मास में। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइम के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन टाइम के बारे में, टाइम के कन्वर्जन देख लेते हैं, मिली सेकेंड है
है ना, मिली सेकेंड, सोचो क्या होगा, गैस मारो, 10⁻³ सेकेंड, राइट, मिली सेकेंड, ठीक है, माइक्रो, सोचो माइक्रो क्या होगा, सोचो सोचो, माइक्रो सेकेंड, 10⁻⁶ सेकेंड, वन शेक, चॉकलेट शेक की याद आ गई मेरे को, वन शेक इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेकेंड, 10⁻⁸ सेकेंड यार, नैनो सेकेंड, सोचो नैनो सेकेंड क्या होगा, नैनो के बारे में बात करे थे हम लोग, हो तेरे मस्त मस्त दोनों, नैनो के बारे में बात की थी, नैनोमीटर 10⁻⁹, तो नैनो सेकेंड क्या होगा, 10⁻⁹ सेकेंड, राइट, जैसे नैनोमीटर वैसी नैनो सेकेंड, पीको सेकेंड, पीको मतलब 10⁻½, पीको सेकेंड, ठीक है, पीको मीटर आएगा तो क्या करोगे, 10⁻½ मीटर, पीको सेकेंड आया तो क्या करोगे, 10⁻½ सेकेंड, ये हो गया पीको सेकेंड, क्लियर है क्या, आवर आपको पता है यार, ये बेसिक बेसिक चीज है, आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है, वो मिनट को आप कन्वर्ट करोगे 36000 सेकेंड्स, डे इक्वल्स टू 24 आवर, ईयर इक्वल्स टू 365 डेज, सेंचुरी इक्वल्स टू 100 ईयर्स, ठीक है, सेंचुरी मतलब 100 होते, ये बेसिक सी चीजें थी, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए एक बार ये चार्ट जो है ये भी आप लोगों को, ठीक है, एक बार बना देता हूँ, ठीक है, अगर 10⁻⁸ है दैट मीन्स दिस इज एक्सा, ठीक है, 10⁻⁵ है दिस इज पेटा, ठीक है, 10⁻12 है दिस इज टेरा, 10⁻⁹ है दिस इज गीगा, ठीक है, 10⁻⁶ है दिस इज मेगा, बरसो रे मेगा मेगा, 10⁻³ है दिस इज किलो, 10² है दिस इज हेक्टो, ठीक है, 10⁹ है दिस इज डेका, ठीक है, ये यार ये सब उतने मेन नहीं है, ठीक है, पूरा चार्ट अभी बनाने जाऊंगा, मेन मेन मैं बता देता हूँ, 10⁻⁵ अगर आ गया तो फेमटो हो गया, ठीक है, -12 में पीको हो गया, 10⁻²² अगर होता है तो पीको हो जाता है, राइट, ये बेसिक बेसिक ध्यान रखो आप लोग, ठीक है ना, और नैनो आपको बता दिए, 10⁻⁹ है आपके पास में, नैनो हो गया, ये आ जाता है, मिली आपको समझ में आ गया होगा, 10⁻³ इज द मिली, ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट, ये सारी बेसिक बेसिक चीजें थी, डेसी -1, सेंटी -2, ठीक है ना, डेसी सेंटी मिली, ये सब आप लोगों को पता है यार, किलो हेक्टो डेका ना, डेसी सेंटी मिली, ये पता है ना, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, ये आपका बेसिक जो है बचपन में आप लोगों को सिखाया गया था, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली, ठीक है, ठीक है ना, बाकी ये बेसिक सी चीजें थी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे गीगा पावर 6 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पर गीगा 9 और 12, जो भी है, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ कहीं गलती हो गया हो, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना यार, ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप लोग, बुक्स वगैरह में कभी चेक कर लेना, उतना ये सब रिक्वायर्ड नहीं रहता है, कभी कभी आ जाता है, आप लोग कहीं भी चेक कर लेना, ठीक है ना, और देखते हैं, बस थ्योरी में तो यही है, उसके बाद अपने पास में एरर है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड अपने पास में क्या है, ठीक है यार, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ, ये टेरा और ये जो है इसको मैं चेक कर लेता हूँ, क्यों लगे हाथ में इसको, यहाँ पर टेरा 12 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास में टेरा जो है ये 9 दिया हुआ है, मैं बस टेरा को चेक कर लेता हूँ, ठीक है, बट आई थिंक ये टेरा ग्राम है, जिस वजह से हो सकता है ये दिक्कत आया होगा, दिस इज लाइक अ टेरा ग्राम, एक मिनट रुक जाओ यार, टेरा केजी नहीं है वो, टेरा, एक मिनट, टेराग्राम टू किलोग्राम, ठीक है, टेरा वन टेराग्राम टू किलोग्राम, तो कितना जीरो है भाई इसमें, जीरो गिनो बैठ के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 टेराग्राम इक्वल टू 10⁹ किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 टेराग्राम इक्वल टू 10⁹ किलोग्राम दिया हुआ है यार, ठीक है, दैट इज 10⁹ किलोग्राम, दैट इज द फाइनल यार, ठीक है, टेराग्राम 10⁹, और
सेल्फ। ठीक है, टेन रेज टू द पावर इज कॉल्ड। यहाँ पर मेरे को कुछ कुछ मिला है, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, पर छोटे मोटे गलती नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर अपने पास में 10^12 इज लाइक अ टेरा, 10^15 इज लाइक अ पेटा, ठीक है। सो व्हाट आई थिंक इज दिस इज टेरा ग्राम है। सो यहाँ पर अपने पास में एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, 10^15 इज पेटा, राइट, 10^12 इज टेरा, या करेक्ट है, गलती कुछ भी नहीं हो रही, ठीक है ना। सो व्हाट हैपेंड इज अगर हम बात करते हैं टेराग्राम का, अगर हम बात करते हैं टेरा टेराग्राम का, राइट, सो 1 टेरा इज व्हाट, टेरा इज व्हाट, 10^12, सो टेराग्राम इज लाइक 10^12 ग्राम। नाउ इफ यू कन्वर्ट इट इन केजी तो वी नीड टू डिवाइड इट बाई 1000, तो 10^12 को अपन को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 10^9। सो इसी वजह से ये डिफरेंस हो गया, यहाँ पर टेरा 10^9 दिखा, लेकिन यहाँ पर जो टेरा है वो 10^12 दिख रहा है, तो वो चीज़ मेरे को कंफ्यूज कर दिया। बट द थिंग इज हम लोग यहाँ पर ग्राम टेराग्राम बोल रहे हैं, बट हम लोग आंसर दिए हैं किसमें, केजी में, दिस इज केजी में। अगर हम लोग ग्राम में ही आंसर देते तो 10^12 ग्राम आता, डैट इज करेक्ट, लेकिन अपन ने आंसर केजी में दिया तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए वापस से डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 करना पड़ता है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना डिवाइड बाई 1000, तो वहां पर 10^9 आ गया, अदरवाइज एवरीथिंग इज करेक्ट यार, ठीक है, मैंने वेरीफाई करके देख लिया ठीक है। और एक आधा क्वेश्चन कर लें इस सेशन को एंड करने के पहले, एक आधा क्वेश्चन करना चाहोगे इसको एंड करने से पहले? एक आधा क्वेश्चन, एंड फिर एंड करते हैं, काफी लंबा सेशन हुआ है, मजा आया सेशन लेके। एक दो बेसिक सा कुछ क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए, एंड फिर इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक मेरे को क्वेश्चन मिला है, डायमेंशंस ऑफ एच सी, ठीक है, डायमेंशंस आपको बोल रहा है, डायमेंशंस निकालना है आपको, किसका डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ एच सी, एच सी जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशंस निकालना है, ठीक है। ये आपको दिया है एच डैश सी, एच सी भी नहीं दिया है, एच डैश सी दिया है, इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, एच डैश सी ये बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है, एंड इसकी जो वैल्यू है दैट इज एच बाई 2 पाई, ठीक है, जैसे ये अपने पास में वहां पर आता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में √L(L+1)h/2π, तो या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं √L(L+1)h-, ठीक है, मेरे को याद नहीं इसको बोलते क्या, बढ़िया। तो इसके जो अपने पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं दैट इज (mL²t-1), (mL²t-1), ऑप्शन बी अपने पास में है (mLt-1), (mLt-1), ऑप्शन सी अपने पास में है (mL³t-2), (mL³t-2), ऑप्शन डी अपने पास में है (mL³t-1), (mL³t-1)। तो इसको अपन सॉल्व करने का ट्राई करते, देखते कैसे होगा सॉल्व। तो अपने पास में क्या है, इसका अपन को डायमेंशन चाहिए, तो ये बेसिकली एच बाई 2 पाई हो गया और ये सी हो गया, ठीक है ना, ये ऐसा हो गया, लेकिन 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया ऐसे नंबर वगैरह कोई डायमेंशन नहीं होता, 2 पाई तो एक नंबर हो गया ना, 2 × 3 पॉइंट, उसके कोई डायमेंशन नहीं होता, तो एच डैश सी का निकालो चाहे एच सी का, बात बराबर है। अब अपने को फॉर्मूला पता है E=hc/λ। अगर आपने थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, या फिर अगर आप एकदम नए हो, नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आप आगे जाके पढ़ लोगे, एनर्जी होता है Hc/λ, तो Hc की वैल्यू वहां से आती है कितनी, E λ, E हो गया एनर्जी, लैम्डा हो गया लेंथ, तो एनर्जी कितना हो गया,
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और लेंथ कितना हो गया, एल हो गया। एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू कैसे हुआ, मैंने बताया था ना यहाँ पे एनर्जी। देखो एनर्जी मैंने यहाँ पे बताया था ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है ना, वर्क डन, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर, कहीं से भी आप निकालो, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू है ना, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट होता है एल, तो ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है ना, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर, कोई से भी फॉर्म से आप एनर्जी के निकाल सकते हो, दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एंड वहां पर लैम्डा का एल आ गया, तो कितना आ गया, एम एल थ्री टी माइनस टू, एम एल थ्री टी माइनस टू आ गया। तो एम एल थ्री टी माइनस टू कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है अपने पास में, एम एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यार, ठीक है, आई होप कुछ गलती नहीं हुई है, एम एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था अपने पास में। तो ये बेसिक अपने पास में, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए, आप लोगों को मैंने थ्योरी भी करा दी, ठीक है, आगे और भी सेशंस लूंगा मैं जिसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे, एंड इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आई होगी, आपने से कुछ सीखा होगा। एक बार मैं रिविजिट करा देता हूँ, एक बार मैं फटाफट से रिविजिट करा देता हूँ, अपन ने यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करा, फिर अपन ने ये फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा, फिर एक ये क्वेश्चन करा, ये कंडक्टिविटी पे मणिपाल का क्वेश्चन करा, ये सात अपन ने फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज देखे, फिर ये क्वेश्चन करा अपन ने, डिराइव क्वांटिटीज समझे अपन ने, पारसेक का क्वेश्चन करा, ठीक है, ये अपने प्लेन एंगल सॉलिड एंगल अपन ने समझा, सिस्टम ऑफ यूनिट सी जी एस एफ पी एस एम के एस और एस आई अपन ने देखा, फिर यहाँ पे कुछ कन्वर्जन अपन ने देखे, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं अपन, ठीक है, न्यूटन टू डाइन कैसे टेंस पर फाइव आता है एनर्जी, जूल टू अर्क कैसे टेंस पर सेवन आता है, फिर अपने पास में क्या है, अलग अलग कन्वर्जन हो गए, माइक्रो नैनो एंगस्ट्रॉम सब बहुत काम आते हैं, नैनोमीटर क्वेश्चन में आता है, जैसे यहाँ पर नैनो सेकेंड आ गया था क्वेश्चन में, टेंस पर माइनस नाइन पीको, ये सारी चीज़ें आती है, ये आप लोग ध्यान रखो, टेरा गीगा मेगा, ये सारे आप बुक्स में और अच्छे से देखना, बुक्स में पूरा आपको चार्ट मिल जाएगा, गूगल से आप लोग चार्ट डाउनलोड कर लो चाहो तो, ठीक है, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये आपका आ जाता है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे भी आपका क्लियर होता जाता है, याद होता जाता है, ठीक है, और ये एक लास्ट क्वेश्चन अपन ने करा डायमेंशंस के ऊपर में, ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, अगर आपने सेशन से कुछ सीखा है तो सेशन को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मज़ा उठा सकें, बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए, और बाकी तो बस यही बात है, थैंक यू सो मच यार।